कहते हैं कि अगर इंसान में जज्बा हो तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है, यही करके दिखाया है पी वेलू ने। पी वेलू जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भागेंगे और ये जो 4300 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय करना है केवल 50 दिनों में, जिसमें एवरेज आती है 70 से 100 किलोमीटर प्रतिदिन वो भागेंगे। ये इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि जो ग्रीन इंडिया है उसको प्रमोट किया जाए इस मैसेज को, और उसके साथ साथ जो एक आपस में भाईचारा है उसको मजबूत करने का भी जो एक पैगाम है वो लेकर चले हैं। आज उनसे जानेंगे क्या उनकी सोच है कि इतना लंबा वो जो भागेंगे उसके पीछे वो क्या सोचते हैं और कैसे ये जो सफ़र है उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। तो आइए जानते हैं उनसे। हमारे साथ वेलू जी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। कुल 4300 किलोमीटर ये भागेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ये 50 दिनों में किया जाएगा, और ये बहुत ही बड़ी हिम्मत है इनकी, इनसे बात करेंगे। ये फैसला क्यों लिया और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई इस रनिंग की? सर मेरा नाम वेलू पी है, 60 पैरा फील्ड असली एएमसी का, मैं भी नर्सिंग असिस्टेंट हूँ। मैं लास्ट ईयर में किया था, एसी रिकॉर्ड रखा था, 1600 किलोमीटर किया था 17 डेज में। इसी साल का मैं प्लान किया था क्रिकेट का, लास्ट ईयर प्लान किया था लेकिन लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, इसी साल प्लान किया था। अभी मौसम भी बहुत ख़राब है, हार्ट वेदर भी है, लेकिन इतना हार्ट वेदर में करने में टफ भी है, फिर मैं चैलेंज लिया था अपना से, पक्का तो होगा, है तो पैरा ट्रूपर सर, पक्का तो करना पड़ेगा। फिर मैं प्लान किया था 50 डेज़ के अंदर इसका क्लोज करना सर। इससे पहले रिकॉर्ड था 55 डेज़ का, मेरा टारगेट था 50 डेज़ में मेरे को क्लोज करना सर, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। पर डे का मेरा टारगेट है 100 किलोमीटर मेरे को निकालना डेली। अभी दो दिन का हो गया सर, दो दिन का तो 100 निकाल दिया थर्ड डे में। अभी तक तो 60 किलोमीटर हो गया, अभी 40 किलोमीटर अभी मैं शाम के लिए निकल जाऊँगा सांबा के लिए सर। ऐसे अगर सोचा जाए कि सोच के ही मुश्किल लगता है कि एक अगर नॉर्मल इंसान की बात नहीं करता, अगर कोई आर्मी में भी है, कोई जवान है, वो इतना भाग नहीं सकता, कोई खास ट्रेनिंग इसके लिए? नहीं, खास ट्रेनिंग सर ऐसा कोई नहीं, बस पूरा अपना हिम्मत ही बात है बस। बाकी सर ये रन तो मैं डेडिकेट करूँ सर, मेरा जो टीममेट है एल एल मीना करके सिग्नल का, वो भी आर्मी बंदा है, लास्ट मंथ तो पास आउट हुआ था, उसके लिए भी ये रन मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताएं कि एक मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इस सर? इसमें मैं दो मोटो रखा हूँ, एक ग्रीन अवेयरनेस के लिए और वन नेशन वन स्पिरिट सर। ये दो मोटो सर मैं रखा हूँ इसी रन में। क्यों ये मोटो क्यों रखे? हाँ ये मोटो सर इसलिए मैं रखा हूँ, आप लोग तो सर देखता होगा इसी देश में तो इतना फाइट, मतलब पूरा तो ये घुलमिल के तो कोई रहता नहीं, कुछ ना कुछ तो जगह फाइट होती रहता है। और ग्रीन अवेयरनेस के लिए सर मतलब जो बार बार देखते रहें, कुछ ना कुछ तो होते रहता है ग्रीन अवेयरनेस, जैसा पेड़ वगैरह काट देता है कुछ, वहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट उड़ते है तो है नहीं, इसीलिए भी मैं मोटो रखा सर। ये अवेयरनेस सभी के पास रीच होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। तो कितने हॉल्ट रहेंगे और 50 दिन में जो आपने प्रतिदिन 100 किलोमीटर का 70 से 100 किलोमीटर का एक टारगेट बनाया है, उसमें कुछ हॉल्ट भी होंगे? हाँ सर डेली जैसे 100 किलोमीटर मेरा टारगेट है पर डे का, 100 किलोमीटर हो गया फिर उसके बाद मैं रेस्ट करना है, फिर रेस्ट करके फिर सुबह जैसा आज 100 किलोमीटर आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मॉर्निंग के लिए हम निकल जाएंगे नेक्स्ट 100 के एम के लिए सर। डेली तो हॉल्ट का मिनिमम 5 to 6 आवर होगा सर, बस इतना ही। तो नेक्स्ट टारगेट क्या रखेंगे अगर ये अचीव हो जाता तो? ये अचीव हो गया सर नेक्स्ट, ऑलरेडी मैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हो रहा हूँ ऑलरेडी, कमिंग सेप्टेम्बर में मैं रोमानिया जा रहा हूँ इंडिया टीम की तरफ से 24 घंटा स्टेडियम रन के लिए, नेक्स्ट वही इवेंट है सर। उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर का देखेंगे, नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग है 6000 किलोमीटर का, लेकिन ये रूट नहीं सर, रूट तो होगा मेरा दिल्ली बैंगलोर चेन्नई कोलकाता फिर दिल्ली क्लोजिंग सर, 6000 नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग। जैसे आपने कहा अभी हॉट वेदर है, अभी आप कश्मीर से स्टार्ट हुआ था आपका, श्रीनगर से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट किया था और कन्याकुमारी में कहाँ एंडिंग होगी? कन्याकुमारी में सर अभी टीम से मैसेज आया नहीं फिनिशिंग कहाँ वगैरह, जो गिनेस टीम से मैसेज आएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो टीम से मैसेज आया था दलगेट से स्टार्ट किया था। तो अभी क्या उसका रिकॉर्ड क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का? लास्ट ईयर अभी लास्ट 2 मंथ बिफोर किया था सर, नेवी के बंदा ने, दो बंदा मिलके किया था 55 डेज में उन्होंने किया था, लेकिन मैं तो सिंगल ही कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है 50 डेज का सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ केजी सिंह साहब भी हैं सर, कितना एक तरह से एक मोटिवेशन देता है एक आर्मी मैन को?
हाँ, जैसे वेलू ने बताया, एक तो वो पैरा ट्रूपर है तो इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, इतनी स्ट्रांग होती है। दूसरा, एक लेवल फिजिकल के बाद सारा माइंड में होता है, तो अगर माइंड स्ट्रांग हो तो फिर आदमी भागता रहता है, फिर पैरों को भूल जाता है, वो भागता रहता है। और वेलू ने तो पहले बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, इंडियन रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स, और अभी ये तो एक बिल्कुल नई मिसाल है कि ये इसमें गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चला जाएगा। और जैसे इसने ठीक से बताया कि अभी अच्छे मौसम से शुरू हुआ है, जैसे नीचे जाएगा आप देख रहे हैं कि 33-34 डिग्री यहाँ टच कर रहा है, और नीचे जाएगा और दिन भी बढ़ते जाएंगे तो बहुत गर्मी में भागेगा ये, तो बहुत अल्टीमेट इसमें मेंटल फिटनेस और स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हर टाइम बॉडी बोलती है कि रुक जाऊं, और उसको ओवरकम करने के लिए मेंटल फिजिक पूरी आर्मी यूनिट्स लगी हुई हैं इसकी हेल्प करने में, जगह जगह पे एक तो इसका मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं और इसको रिसीव कर रहे हैं, इसको ओवरनाइट रेस्ट दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। जितने भी आर्मी पर्सनल्स या आर्मी यूनिट्स रास्ते में आएंगी उनको भी एक मैसेज ये देते हुए जाएंगे, एक मोटिवेशन बूस्ट होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसी मोटो से आर्मी चलती है, आर्मी मेडिकल कोर चलती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इवन कोविड टाइम्स में एक दिन भी अस्पताल बंद नहीं रहे, डॉक्टर्स अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के काम करते रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स पॉजिटिव भी हुए, दे केम बैक, उन्होंने अपना पूरा जान लगा के काम किया है, तो ये यही स्पिरिट को दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं जज्बा कैसा है, एक मेंटल टफनेस होनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त के बाद केवल मेंटल टफनेस ही काम करती है, शरीर जब साथ छोड़ता है। और वेलू अब एक मिसाल बन चुके हैं और उनका यही टारगेट है कि अभी गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा के आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ये गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। पहले तो 54 था सर, अभी तो 3 दिन हो गया, थोड़ा कम हो गया, बताना तो नहीं कहाँ पर कौन लिक्विड आइटम हो रहा है। पहुँच कर के वेट कर लो, रास्ते में कुछ सिप करते पानी वगैरह? हाँ सर, रास्ते में पूरा लिक्विड आइटम सर, पूरा सर, खाना तो बिल्कुल कम। 44 डिग्री टच करेगा तब तक आप मई में पहुँच जाओगे ऐसा? हाँ, उस हिसाब से सर पता होता नहीं कि क्या थोड़ा आड़ रहे सर। इसके बाद सर आज से सर 2 सेक्शन रन करें सर, मानी सेक्शन 60-70 निकालेंगे, मैंने साथ पता के फोटो लेंगे ब्रेक ले, क्योंकि सर ज़्यादा जल्दी कितने बजे तक वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं शाम को सर? तो शाम को जैसे 5 o'clock स्टार्ट करेंगे सर, 9:30 तक तो क्लोज हो जाएगा। कल से थोड़ा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें सर, 2 बजे 3 बजे से स्टार्ट करें, 2-3 बजे जैसे जल्दी स्टार्ट करेंगे, 8-9 बजे तक सर। 70 किलोमीटर है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है उससे जंगल ख़त्म होने पर हैं, और ये मैसेज वो पहुँचाएंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 50 दिनों में। वो 4300 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करेंगे, और हमने साथ में जो ऑफिसर हैं आर्मी के यहाँ 166 MH हॉस्पिटल में उनसे भी बात की, तो आप उन्होंने भी साफ किया कि ये एक मजबूत, एक टफनेस दिखाता है दिमाग की, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि जब शरीर जो है वो साथ नहीं देता है भागते भागते, तब जो इंसान की मेंटल टफनेस है वही साथ देती है। तो पी वेलू उसकी एक मिसाल है कि किस तरह से अगर इंसान में जज्बा हो और उसकी सोच हो, क्योंकि पी वेलू की सोच है गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाना, और जिस तरह से उनका जज्बा दिखा है ये लगता है कि वो जल्द ही इसको मुमकिन कर देंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरामैन अरुण के साथ राजन वैद, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।